आज फाइनली दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। उत्तराखंड से फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो भाई ओए ठीक छ। हल्द्वानी पूरा गायब, हल्द्वानी दिखाई दे रहा है, पूरा कोड़ा कोड़ा वाला हल्द्वानी। अभी तक शीशे खुले होते, बस यहाँ पहुँचते ही शीशे चढ़ा दिए, सिकुड़ के बैठे हुए हैं। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज फाइनली दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। वैसे तो मैं आज सेकेंड टाइम दिल्ली जा रहा हूँ। 2021 में गया था फर्स्ट टाइम लखनऊ टू दिल्ली, तो उसके बाद से मैं आज जा रहा हूँ, और उत्तराखंड से फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो आज आई थिंक हल्द्वानी स्टे का प्लान है, तो निर्मलदा तैयार हो रहे, मैं भी तैयार हो रहा हूँ, और अपनी गाड़ी से जा रहे हैं निर्मलदा की, वरना से तो निर्मलदा और मैं दो लोग जा रहे हैं। तो मस्त गाड़ी में जाएंगे एंजॉय करते हुए पूरे रास्ते, और शाम को शायद हल्द्वानी रुकेंगे, तब कल वहाँ से दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो आई थिंक जैसा भी प्लान होगा वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो फिलहाल पैकिंग वगैरह हो चुकी है, इसमें मैंने थोड़े गर्म कपड़े, हुडी, जीन्स वगैरह रखी है, लैपटॉप भी इसी में डाल दिया है, और अभी मम्मी लेके आई थी मेरे ब्रेकफास्ट, तो आज थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट हो रहा है क्योंकि रास्ते में फिर खाने का मन नहीं करता है, तो इसलिए मम्मी इतना ज़्यादा ले आई। तो तीन रोटी ले गई है, और आलू मूली की सब्जी है, मट्ठे वाली, पालक की सब्जी, साथ में चाय। तो फिलहाल नाश्ता भी करते हैं, उसके बाद फटाफट से निकलते हैं। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब चलते हैं तैयार यार होके रोटी और फटाफट से। आ निर्मलदा है, शॉल दे दिया बैग में, तन्नू ना खुद देख के के मम्मी शॉल भी ले आई रास्ते के लिए। वैसे तो ठंडा नहीं लगता है, गाड़ी में जा रहे हैं हम लोग, पर्सनल गाड़ी में तो उसमें ठंडा नहीं लगता है ना, बट फिर भी रखते रहे। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है ऐसे की, तो उस हिसाब से मम्मी ले आई शॉल। अभी कलरफुल वाला शॉल रखते हैं मम्मी का। मैं थी भी दर्दी बाद में देखी छूँ, ठीक वही रुझा। तो अभी चलते हैं, मम्मी टीका ही का लगाएगी, तैयार होकर फिर सीधे निकलते हैं रोड की ओर। टीका भी लगा दिया है मम्मी ने, काफ़ी लंबा चौड़ा टीका लगा रखा, अच्छा भी बहुत ज़्यादा चिपका दिया। तो फिलहाल आपको देते हैं मौसम का अपडेट। आज पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है आज, क्योंकि बादल लगे, ये पूरा बादलों से ढका हुआ है। हवा भी टीका लगा रहे हैं, चलते हैं हम, ठीक है ओके लगा रहा हूँ। चलो पहला, हाँ ध्यान दरिया, बर्फ पड़ने वाली, ध्यान रखना, ठंड से बच के रहना। चलते हैं अभी हम। तो अभी मैं तैयार यार होके निकल पड़ा रोड की ओर, मम्मी आ रही मेरे को छोड़ने, और ये जो थोड़ा सामान ला रही मम्मी, ये दीदी को देना बसोली में रुक के, मतलब दीदी तो नहीं मिलेगी, दुकान पे रखना है, तो इसको बसोली में रखेंगे। घर से जब भी निकलते तो गुंजू के मंदिर से होके हाथ जोड़ के, और अच्छी जर्नी के विश करते हुए निकलते हम लोग हमेशा। अभी मैंने जूते भी पहन रखे, तो अभी मंदिर की तरफ नहीं, इसमें साइड साइड से चलता हूँ। तो निर्मलदा आ रहे हैं थोड़ी देर में, पंचर बनवा रहे हैं, कल पंचर हो गया था ना टायर, तो वही बनवा रहे हैं, वो बस आते हैं थोड़ी देर में, तब तक मैं वेट करता हूँ, मम्मी चली आएगी चंदपुर की ओर राशन लेने। चल बहा भाई, ओए ठीक छो, मम्मी गई राशन लेने के लिए, मैं तब तक धूप सेकता हूँ यहाँ पे। अभी खुल चुका है मौसम, मस्त एकदम पूरा। पहुँच गए निर्मलदा भी पहुँच गए, चलो बागेश्वर तो पहुंच गए फटाफट से, पर यहाँ पे जाम लग गया क्योंकि कल दिखाया था भोटिया मार्केट लग रही थी पीछे साइड हॉस्पिटल वाली लाइन में, तो वहाँ भोटिया मार्केट लगती है, तो जो ये रास्ता है मेन, ये वाला पुल वैसे तो वन वे रहता है, बट जब जिस टाइम पे उतरायणी लगती है, भोटिया मार्केट लगती है, तो दोनों तरफ से यहाँ गाड़ियाँ चलने लगती है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा जाम देखने को मिलता है। तो सुबह की हालत ऐसे कुछ 10:30 बजे के, अभी उतरायणी ख़त्म होने तक ऐसे ही रहेंगे।
नहीं। हिंदा मिल गया हमको यहाँ पे, हिंदा प्रणाम, पैर उतर जाओ। हाँ अभी हिंदा मोमो बना रहे हैं, हल्द्वानी दिल्ली घूम के आते हैं। चलो अच्छा घुमा लाते हैं। कहाँ घुमाए हिंदा आजकल अकेले है, संजूदा संजूदा नहीं आ रहे, हिंदा अकेले काम कर रहे हैं। सही है वही तो बना के गया अभी है, बना के उधर पानी लगाने नहीं लगाया, पानी नहीं आना ना। तो जीजू से तो मुलाकात नहीं हो पाएगी फिर, है काफ़ी टपड़ जा रहा हूँ। ये हम पहुंचे कैंची धाम के पास, किरोला रेस्टोरेंट, यहीं खाते हैं खाना। गर्मा गर्म रोटी, दाल, मिक्स सब्जी और क्या है, कड़ी, कड़ी मूली और चटनी के साथ में खाना स्टार्ट हो गया। खाते फटाफट से, फिर चलते हल्द्वानी को। खाना ना भी खा लिया, चलते हल्द्वानी को। खतरनाक मौसम हो रहा है हल्द्वानी। काठगोदाम पहुंचे हम, काठगोदाम से पहले ही वैसे ही ऐसा मौसम होता था, खतरनाक वाला मौसम, कोहरा लगा यहाँ तो, हवा टाइट हो गई, सारे शीशे चढ़ा दिए हमने, अभी तक शीशे खुले होते, बस यहाँ पहुँचते ही शीशे चढ़ा दिए, सिकुड़ के बैठे हुए हैं। क्यों निर्मला कैसा लग रहा है, जैकेट सही काम आ रहा है ना, अपना जैकेट का मौसम तो। रास्ते में हम लोग बोलते आए थे कि यार गर्मी होगी जैकेट पहन के, यहाँ आके पता चला कि ठंड क्या हो रही है, जैकेट का मौसम तो पता चल रहा है, बहुत सही है। तो यहाँ का मौसम ऐसा हो रखा भैया, हमारे यहाँ तो धूप आ रही है, यहाँ कोहरे से ऐसा हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे को बढ़ रहे वैसे कोहरा भी बढ़ते जा रहा है, खतरनाक हो रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। पहुंचे पार्किंग में और गाड़ी पार्क हो गई, ये बढ़िया से सेफ्टी से एकदम सेफ जोन में लग गई शटर के अंदर, दो दिन तक यही रहेगी। हम लोग अब रवि भाई की गाड़ी से ले जाएंगे। ये बुद्धा जी के जस्ट राइट साइड में बुद्धा जी यहाँ भी मिल गए हमको, बुद्धा यहाँ भी मिल गए, वहाँ भी रखे हमने। चलो रवि भाई पहले का सामान खेल ऊना कर रहा है उन्होंने, तो काफ़ी इंतज़ार के बाद डिनर पहुंच चुका है, 9:34 हो रहा है, निर्मल दा सर्व कर रहे हैं आज भुजिया, और रवि भाई हमारे हैं वेज वाले, ये नॉन वेज नहीं खा रहे तो इसलिए अंडा भी नहीं खाएंगे, मिक्स वेज सलाद रोटी दाल। तो गाइस अभी डिनर हो चुका है और टाइम हो रहा है 10:46, चलते हैं ब्लॉग एडिट करने के लिए क्योंकि कल फिर टाइम नहीं मिलेगा, दिन भर ट्रैवल करना है, कल दिल्ली को निकलना है इसीलिए। तो फिलहाल निर्मल दा सोते हैं इधर, निर्मल दा को बस नींद भी आ चुकी है, मैं यहाँ पे बैठ के एडिटिंग कर रहा हूँ, रवि भाई वॉशरूम गए फेस वॉश करने। तो फिलहाल अब चलता हूँ ब्लॉग एडिट करने के लिए और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ गाइस। बहुत इन्जॉय किया पूरे रास्ते पर आज ट्रैवल करते करते निर्मल दा के साथ में, तो फर्स्ट टाइम इतना लंबा मेरा रोड ट्रिप हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे, अच्छा एक्सपीरियंस है।
आगे को अब दिल्ली का एक्सपीरियंस वो भी ठंडी में वो भी अल्टीमेट होगा ना, तो बाकी कल का एक्सपीरियंस आपसे कल शेयर करेंगे। फिलहाल अभी आज के इस ब्लॉग को ये पेंट करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय।